जैसे आपके पास तार्किक मन है, वैसे ही एक और मन है जो बिल्कुल अलग है। इससे आप टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस कर सकते हैं। ये दिव्य मनस है। उस स्थिति में इसे विकसित करना बहुत आसान है, पर इससे भारी परेशानी भी होती है। देखिए, आपका शरीर या जिसे आप मैं कहते हैं, ये कई चरणों में खुद को विकसित करता है। योग में ये विकास के 7 चरण माने जाते हैं, या कहें तो मनुष्य के 7 अलग अलग शरीर हैं। 7 अलग अलग शरीर यानी वाकई 7 अलग अलग शरीर नहीं हैं, ये मनुष्य के विकास के 7 अलग अलग चरण हैं। पैदा होने के बाद 7 साल की उम्र तक सिर्फ भौतिक शरीर बढ़ता है, ये बाहरी शरीर या स्थूल शरीर है। 7 से 14 साल की उम्र तक व्यक्ति के भाव शरीर का यानी उसका भावनात्मक विकास होता है। 14 से 21 साल तक, अगले 7 सालों तक मानसिक शरीर यानी व्यक्ति की बुद्धि विकसित होती है। जब बुद्धि विकसित होती है तब चीजें सीखने में रुचि आती है। पर आमतौर पर आज आधुनिक समाज शरीर की बस इन 3 अवस्थाओं, बाहरी, भावनात्मक और मानसिक शरीर तक ही सीमित है। हम उसे आगे विकास नहीं चाहते हैं। अगले 7 साल दिव्य मनस के लिए हैं। दिव्य मनस, as you have a logical mind, there's another mind which is completely different. जैसे तार्किक मन होता है, वैसे एक और मन होता है जो बिल्कुल अलग है। योग में हम विकास के इस 4th चरण से बचते हैं, क्योंकि इस विकास के बाद व्यक्ति चमत्कारी हो जाता है। उसके आसपास कई चमत्कार होने लगते हैं। यहाँ की चीज़ें वहाँ हो सकती हैं और वहाँ की यहाँ, कहीं और की बातें आप जान जाएंगे, ऐसी चीज़ें होंगी। योग में लोगों को दिव्य मनस तक पहुँचने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये है तो मन ही दिव्य है, यानी ये उस मन से कहीं बड़ा है जिसे हम जानते हैं। ये एक शानदार पैमाने का मन है। इस मन में प्रवेश करने के बाद आप काफ़ी कुछ जानते हैं, सब कुछ नहीं पर दूसरे लोगों के मुकाबले आप चमत्कारी हो जाते हैं। ऐसा होने के बाद लोग आमतौर पर अगले स्तर तक विकास नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग इतने परिपक्व नहीं होते, वे इसे दूर रखकर आगे नहीं बढ़ पाते, वे इसी में उलझ जाते हैं। ये एक मानसिक स्थिति ही है। तब वे टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें दिव्य मनस हैं। 21 से 28 तक ये विकास आसानी से हो सकता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। उस उम्र में ये विकास बहुत आसान होता है। पर जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं, उन्हें इसकी तलाश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तब आपके पास बस एक ऊंचे स्तर का मन होगा। वैसे ही मन भ्रम में डालता है। ऊंचा मन गहरे भ्रम में डालेगा, ये आपको निचले मन से कहीं अधिक गहरे तरीके से उलझाएगा। तो हम इसे दूर ही रखते हैं। दिव्य मनस से जुड़ने के बाद कोई भी परम तत्व नहीं खोजेगा, क्योंकि ये इतना विशाल, इतना चमत्कारी है, ऐसा लगेगा भगवान मिल गए, आपको कुछ और नहीं चाहिए होगा, ऐसी भावनाएं पैदा होंगी। पर इससे भारी दुख भी पैदा होता है। आमतौर पर दिव्य मनस में जाने वाला व्यक्ति जीवन के 47-48 वर्ष के बाद बहुत दुख झेलता है। योग के मार्ग पर हम कुछ चीज़ों को दरकिनार करके हमेशा शून्यता पूर्ण विसर्जन की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता। आध्यात्म को एक विज्ञान मानने के बाद हम आध्यात्मिक मार्ग में मनोरंजन नहीं ढूंढते। हर छोटी से छोटी चीज़ को हम बस एक कदम मानते हैं जो हमें बड़ी चीज़ की दिशा में ले जाएगा। हम उसे कभी भी मनोरंजन मानकर उसके पीछे दीवाने नहीं होते। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान में लोग थोड़ा सा अनुभव पाकर रोमांचित हो जाते हैं, पर 2 महीने में वो फिर नीचे आ जाते हैं। ऐसा बार बार हो रहा है, क्योंकि आपका मनोरंजन होता है। इन चीज़ों से अपना मनोरंजन न करें। चाहे जो भी हो, हमारा काम है लक्ष्य तक पहुंचना। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग चुन लेता है तो उसके बैठने, खड़े होने, खाने, बोलने, सोचने और जीने का तरीका सब कुछ आध्यात्मिक हो जाना चाहिए। हमें हमारे जीवन के हर पहलू को
योग की प्रक्रिया और विकास की प्रक्रिया बनाना होगा। इस सौर मंडल में मानव शरीर सबसे ऊंची मशीन है। सिस्टम के 114 चक्रों में हलचल लाई जा सकती है। इफ यू अरेंज इट इन अ सर्टेन वे, यू बिकम अ फुल फ्लेज्ड डिवाइन एंटिटी। इसे एक विशेष तरीके से व्यवस्थित करके आप बिल्कुल दिव्य बन सकते हैं। हम लोगों को दिव्य मनस में नहीं जाने देते। इस मन में प्रवेश करने के बाद आप सब कुछ जान जाते हैं। यह आपके जीवन की हर चीज से ज्यादा आकर्षक है। सभी 7 अलग अलग चक्र आपके पैरों में हैं। इसकी एक पूरी टेक्नोलॉजी है कि कैसे पैरों को पकड़ें। वर्षों साधना करके आपको जो नहीं मिल सकता वो एक पल में मिल सकता है। आपका नर्वस सिस्टम ये बता सकता है कि ये फूल कितना पुराना है। हर पल आप पूरी तरह उस आयाम के साथ हैं जो हर चीज का आधार है।